संसार क्रांति की टीम इसमें जींद में मौजूद है, और जैसा कि दर्शकों से हम पहले भी कल हमने जो मुलाकात करवाई थी, जो जींद इंसो के जो जींद जिले के जो चेयरमैन बने हैं दीपक देसवाल जी, आज इन्होंने युवाओं के साथ मिठाइयां बांट करके खुशियां जो होती है खुशियां मनाई है। दीपक जी कैसा महसूस कर रहे हैं, काफी युवा जुड़े आपके साथ में और इंसो का जो आपको चेयरमैन बना गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसकी खुशी में मैंने सारे भाइयों को बुलाया अपने, सारे जींद डिस्ट्रिक्ट के युवा बहुत भारी जोश इनमें आपको देखने को भी मिल रहा होगा। बिल्कुल, और काफी इससे पहले भी इंसो में जो कार्य करते रहे हैं, जैसे क्या शुभ नाम सर आपका, अनूप खटकर जी भी, मतलब इनका जो इंसो के जो पहले पदाधिकारी रहे हैं और जो इन्होंने इंसो के साथ लगभग 3-4 सालों से जो जुड़े हुए हैं कार्य करें, जैसे मनु है गावनी राणा से, मनु जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को लेकर के, इंसो का जो आपका एक मजबूत संगठन बनने जा रहा है जींद को लेकर के भी हरियाणा को लेकर के, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आपने सभी ने पता हुआ है जेजेपी नई पार्टी बनी है, ये पार्टी ताऊ के विचारों से चलेगी, अजय सिंह के जो टला है वो फादरों से चलेगी और जन जन के इशारों से चलेगी, और 2019 में भाई युवा सांसद 2019 में हम उसे चंडीगढ़ की कुर्सी को उनके सहरे बांधेंगे। बिल्कुल, तो देखिए दीपक देसवाल से हम जो इनका कल एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू था वो हम कल दर्शकों को दिखा चुके हैं, और आज जो इसका खुशियां मनाने का जो एक माध्यम है भी ये बना चुके हैं, काफी युवा जुड़े हैं हमारे साथ में, और जो इनेलो के पहले जो पदाधिकारी होते थे, इनेलो की जो ताकत होते थे, आज जेजेपी के अंदर वो आ चुके हैं सभी के सभी। सबसे पहले तो सर क्या नाम आपका? अनिल कुंडू। अनिल कुंडू जी क्या कहना चाहेंगे, युवा एक जोश, दुष्यंत चौटाला भी एक युवा है, सांसद है और एशिया में कहीं ना कहीं एक पहचान बनाई है, विश्व स्तर पर 29वां, एशिया में तीसरा, भारत में पहला, और युवाओं को लेकर के किस तरह का आपको जोश दिखाई दे रहा? सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे भाई दीपक को मैं बधाई दूंगा, जो जिले की कमान, जो चेयरमैन, ये तो कोई छोटा पद नहीं है जी। और इसकी पूरी टीम, इंसो की पूरी टीम को बधाई दूंगा। और जहाँ तक एमपी साहब की बात है, युवा की बात है, युवा ही इस चीज़ को समझेंगे, युवाओं ने सरकार बनानी है अपनी। और मैं तो इतना कह सकता हूँ, जैसे स्पिद्दो हल्के की मेरे पे जिम्मेवारी पिछली बार भी रही थी, और युवा टीम की जहाँ भी मेरे भाई मेरे हल्के से ही है, स्पिद्दो से, गंगोली गांव से, जहाँ भी इसको हमारी युवा टीम की जरूरत पड़ेगी, हम युवा वहाँ भी इसका साथ देने का काम करेंगे, और जहाँ मेरे को इनकी जरूरत होगी हम अपना कोऑर्डिनेट करके इस आयोजन का, कहीं का जैसे गांव में जाना है, गली में, वार्ड में जाना है, हम हर चीज को सफल बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये सफेद हल्के से हैं, अनिल जी हैं, युवा हैं, और युवा होकर के दीपक देसवाल जो चेयरमैन बने, बताया कि इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी तरह की जो सहायता होगी हल्के को लेकर के, गाँव को लेकर के, और यहाँ यूनिवर्सिटी की शिक्षा की बात करें, जैसे मोनू जी ने बताया कि जिस तरह की भी जो रहेंगे उसको हमेशा उठाया जाएगा। अनूप खटकर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने भाई दीपक देसवाल को जिला चेयरमैन बनने पर बधाई देता हूं, और ये बधाई के पात्र हैं कि, और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं हमारे पार्टी हाईकमान डॉक्टर अजय चौटाला जी, वह पार्टी के संस्थापक भाई दुष्यंत चौटाला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसो के भाई दिग्विजय चौटाला जी को, कि उन्होंने हमारे भाई दीपक देसवाल को इस लायक समझा, इस पद के लायक समझा, और हमें ये जिम्मेवारी जो दी है हम इसे पूरे दिल से और पूरे जोश और संघर्ष के साथ में आगे लेके जाएंगे, और नए साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जोड़ने का काम करेंगे, और इंसो को सभी अन्य संगठनों से इतना मजबूत संगठन बना देंगे कि वो जेजेपी को विधानसभा के चुनाव में भी एक मजबूती के साथ में खड़ा मिलेगा, और हर एक एक इंसो का कार्यकर्ता जेजेपी के साथ में है, और जेजेपी जो नई पार्टी का इन्होंने गठन किया है उसके बिल्कुल सह संयोजक बन के काम करेगी। धन्यवाद। तो काफी युवाओं का आज दीपक देसवाल के पास जो मिठाइयां बांटी हैं, काफी उससे पहले भी एक समर्थन रहा युवाओं का। तो तमाम जानकारियों के लिए संसार क्रांति के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए, पल पल की जानकारी के लिए मैं इसी बार एक बार फिर मुलाकात कराता रहूंगा। संसार क्रांति के लिए जींद से मैं अजय भारद्वाज।